हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते सबको। आप सब सावन का महीना तो एंजॉय कर ही रहे होंगे। ओब्वियसली आप लोग देख रहे हैं कि महादेव ने कैसी कृपा की है। इस बार बहुत ज़्यादा जो है डैमेज जो हुआ है हमारे इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो हम देख पा रहे हैं कि आजकल जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन सब का कारण कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। जो इंसान है वो अपने कंफर्ट के लिए भगवान की बनाई इतनी सुंदर सृष्टि को जो है विनाश कर रहा है, उसका अपने कंफर्ट के लिए जो है पहाड़ों को काट रहा है, जंगलों को काट के अपने घर बना रहा है, सड़कें बना रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है उसका रिजल्ट हमें सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अभी भी हम लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे, अपने कम्फर्ट को ही देखते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में हमें इस चीज़ का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्योंकि ये रेनी सीजन का टाइम है, तो आप लोग को पता ही है कि कितनी ज़्यादा टाइम से पहले जो है रेन्स, मॉनसून जो है हमारे इंडिया में आ चुका है। तो अभी अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आई थी, आज का टॉपिक भी उसी चीज़ के रिलेटेड है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट हुई है। जो स्नेक्स हैं, मतलब सांप ने इंसान को बहुत ज़्यादा काटा है। कम से कम इंडिया में 64,000 पीपल जो है स्नेक बाइट की वजह से हर साल मर जाते हैं। तो ये जो स्नेक बाइट है, जो ये इंडिया में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के स्नेक्स पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो है वो किस तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। कौन से मेन स्नेक्स पाए जाते हैं और कौन से पॉइजनस होते हैं और कौन से पॉइजनस नहीं होते, कौन से जहरीले होते हैं, कौन से स्नेक जहरीले नहीं होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस एंड द नॉन पॉइजनस स्नेक्स। अभी एक लेटेस्ट ही हमारे पास एक और मतलब अपडेट आया था, उसके अंदर हिमाचल के अंदर जो है 569 स्नेक्स एक साथ, जब बाढ़ का पानी जो आया, जो डिस्ट्रॉय हुआ जो सारा सिस्टम, वहाँ का जो हिल्स थे वहाँ पे जो ऐसे नदियों ने, जो तूफान आया नदियों में और जो पानी बहा है, जो पानी मतलब बाढ़ के रूप में आया है, उसकी वजह से कह सकते हैं या कुछ और रीज़न की वजह से कह सकते हैं, उसके अंदर 569 स्नेक्स एक साथ बाहर निकल के आए हैं, एक सड़क के ऊपर दिखाई दिए गए हैं। तो ये स्नेक्स पॉइजनस हैं या नॉन पॉइजनस हैं, ये सब अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आज का हमारे टॉपिक भी इसी के रिलेटेड है कि हमारे जो स्नेक, मतलब जो हमारे इंडिया में जो स्नेक्स पाए जाते हैं वो पॉइजनस हैं या नॉन पॉइजनस है, उनकी हम पहचान कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है हमारे जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर, हम जो पहला कैरेक्टर लेंगे स्नेक्स के रिगार्डिंग, वो है टेल का। अब जो स्नेक होता है उसके अलग अलग तीन पार्ट होते हैं। सबसे मेन पार्ट होता है हेड, बीच वाला पार्ट होता है जिसको हम बैली बोलते हैं, और थर्ड जो हमारा लास्ट का पार्ट होता है वो है टेल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेल से हम पूंछ से हम उसकी कैसे जान सकते हैं, जो उसका बैक वाला पार्ट होता है उसको कैसे जान सकते हैं कि वो पॉइजनस है या नहीं है। तो देखिए, जो टेल होती है, अगर वो टेल फ्लैट है, मतलब कि एकदम से पतली नहीं हो रही है, वो पूरी मतलब ऐसे फ्लैट है और ब्लर्ट, लास्ट में ब्लर्ट है वो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्नेक है वो पॉइजनस है। और ऐसे जो स्नेक होते हैं जिनकी फ्लैट टेल होती है, वो ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन स्नेक्स होते हैं वो, या हम कह सकते हैं कि वो सी स्नेक्स होते हैं। तो जो भी फ्लैट टेल वाले जो हमारे जो स्नेक्स होंगे वो क्या होंगे, पॉइजनस होंगे। सेकेंड रहता है हमारा सिलेंड्रिकल टेल। सिलेंड्रिकल टेल मतलब कि जो जिसकी टेल एकदम से मतलब पतली नहीं हो रही है, बट धीरे धीरे पतली हो रही है, वो हम सिलेंड्रिकल टेल उसको बोलते हैं। और वो पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। और वो मरीन नहीं होते, वो लैंड पे पाए जाते हैं, लैंड सरफेस पे ही पाए जाते हैं। तो वो दोनों हो सकते हैं कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो ये तो टेल का कैरेक्टर हो गया। तो क्योंकि हमें तो लैंड पे ही देखना है कि लैंड सरफेस पे जो स्नेक्स जो हमें दिखाई देते हैं कि उनकी हम कैसे पहचान करेंगे, तो वो तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों बता रहे हैं। तो हम एक और कैरेक्टर जो है वो लेते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा पॉइजनस और कौन सा नॉन पॉइजनस है, वो है सेकेंड हमारा बेली स्केल। बेली स्केल मतलब कि जो उसकी बॉडी है, मतलब कि जो साइड की बॉडी और जो बीच की जो बॉडी है उसको हम बेली स्केल बोलते हैं। उसके ऊपर अलग अलग, आप लोगों ने देखा होगा कि स्नेक्स जो होते हैं अलग अलग कलर्स के, अलग अलग पैटर्न्स के, अलग अलग स्केल्स जो होते हैं उनके ऊपर, जो डिजाइनिंग कह सकते हैं उसके ऊपर स्केल्स होते हैं जो वो अलग अलग बने होते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सा पॉइजनस है और कौन सा पॉइजनस नहीं है बेली स्केल के थ्रू। देखिए क्या होता है, जो इस तरीके के मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू बताया है, जो इस तरह के स्केल होते हैं,
स्नेक्स होते हैं जिनके ऊपर का स्केल जो है वो इस तरह का होता है, जो मतलब कि स्मॉल स्केल होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे स्केल्स के फॉर्म में और एक जैसे छोटे और एक जैसा पैटर्न जिसके ऊपर बना होता है, वो हमारे नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। सेकेंड आता है हमारा लार्ज स्केल बट नॉट कवर एंटायर। अब ये इस डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये लार्ज है मतलब जो स्केल्स हैं वो लार्ज है लेकिन वो पूरी बॉडी को कवर नहीं कर रहे हैं, जो साइड की बॉडी है उसके अंदर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, तो वो जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस स्केल्स होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। जो पाइथन है, जो पाइथन स्नेक है, उसके अंदर भी सेम पैटर्न होता है, जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर बीच में जो होते हैं वो लार्ज स्केल्स होते हैं और साइड में जो है छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं। थर्ड आता है जिसके अंदर लार्ज स्केल्स होते हैं और वो पूरी बॉडी को, एंटायर बॉडी को कवर करते हैं, उसके अंदर कोई साइड में छोटे स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर लार्ज स्केल ही पाए जाते हैं। तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ से तो यही पता चला कि जो सिलेंड्रिकल टेल होगी वो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों होंगे, जो सी वाले स्नेक होंगे वो तो पॉइजनस होंगे ही होंगे, दैट्स डन। बट व्हाट अबाउट द लैंड सरफेस स्नेक्स, जो लैंड के ऊपर होते हैं वो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों होंगे। देन एक और कैरेक्टर उठाया कि ये जानने के लिए कि कौन से पॉइजनस है कौन से नॉन पॉइजनस है, दैट इज बेली। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल जो है वो नॉन पॉइजनस होंगे, लेकिन जो लार्ज मतलब जो लार्ज स्केल हैं, जो लार्ज स्केल पूरी बॉडी में लार्ज स्केल हैं, वो भी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस होंगे। ये नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पॉइजनस है कौन सा नॉन पॉइजनस है, उसके लिए हमने थर्ड कैरेक्टर उठाया है जो कि है हेड स्केल। मतलब कि जो सांप है उसके सिर से, उसके मुंह से हम कैसे जान पाएंगे कि वो पॉइजनस है या नहीं है। तो ये मैंने डायग्राम शो किया आपको दिखाने के लिए, क्या होता है कि जो ये स्नेक है इसकी यहाँ पे आई होती है, ये आई होती है, यहाँ पे नोस्ट्रिल होती है। अगर जो हेड है स्नेक का उसके ऊपर छोटे छोटे ये ऐसे स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये था स्मॉल स्केल था लेकिन इसके अंदर बॉडी पे था, बॉडी पे था, यहाँ पे तो बॉडी पे था, यहाँ पे हम हेड की बात कर रहे हैं, सिर की बात कर रहे हैं, उसके फेस की बात कर रहे हैं, हेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हेड है अगर उसके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स दिखाई दे रहे हैं तो वो पॉइजनस होगा, तो वो 100% पॉइजनस होगा। क्या होता है कि यहाँ पे आई होती है और आई और यहाँ पे एक पिट होता है, पिट जिसको हम बोल सकते हैं गड्ढा होता है, आई के पास भी हो सकता है, वो आई से दूर भी हो सकता है। तो अगर ऐसे जो पॉइजनस की बात है, अगर हमें पहचाना है कि ये कोई स्नेक है वो पॉइजनस है कि नहीं, अगर हम उसका हेड देख रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा कि उसके अंदर एक तो छोटे स्केल्स होने चाहिए, सेकेंड थिंग कि आईज और पिट के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब आई और जो पिट है उसके बीच में डिफरेंस है या नहीं है, तो ये हम देखेंगे। वैसे क्या होता है अगर पिट नहीं भी होगा, अगर पिटलेस होगा तो भी पॉइजनस होगा, अगर पिट होगा तो भी पॉइजनस ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो उसका फेस है वो थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में है, थोड़ा सा लिटिल बिट ट्राइंगल है, नॉट प्रॉपरली ट्राइंगल बट अ लिटिल बिट ट्राइंगल, तो और स्मॉल स्केल्स हैं और लोरियल पिट है, लोरियल पिट का मतलब है कि जो आई है उससे दूर है पिट, मतलब जो गड्ढा है वो थोड़ा सा दूर है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो स्नेक्स होंगे वो पॉइजनस होंगे। सेकंड हमारा दिखा रखा है हमने ये, सेकंड हम ये बताते हैं, तो ये जो पिटलेस है, ये पिटलेस हमने इसको पिटलेस जो वाइपर, वाइपर जो स्नेक होता है बहुत डेंजरस होता है, तो वो टू टाइप्स का होता है, वो पिटलेस भी होता है और वो पिट वाइपर भी होता है, तो ये पिटलेस वाइपर का शो कर दिया हमने। अब पिट वाइपर क्या होता है, जिसके अंदर गड्ढा होगा वो कैसा होगा, जो कि आई से टच करेगा, जब भी जो भी पिटलेस वाइपर होंगे उसके अंदर क्या होगा, जो पिटलेस स्नेक होगा उसके अंदर जो मतलब पिट है वो आई से दूर होगा, आई से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो हम उसको पिटलेस बोल सकते हैं। लेकिन जिस स्नेक के अंदर जो पिट है, जो गड्ढा है, वो आई से अटैच्ड होगा, उसे हम बोलेंगे पिट, पिट स्नेक। क्या जैसे एग्जांपल हमने ये वाइपर करी है तो हम पिट वाइपर बोल सकते हैं उसको। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, अब हमें इसमें क्या देखना है, तो जो पिट होगा ये वाइपर जो है वो पॉइजनस या ऑब्वियसली, तो ये भी पॉइजनस ही हो गया, ये भी पॉइजनस हो गया। उसके बाद आता है जो ये वाला पोर्शन, अब इसके अंदर हमारे दो अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं, एक तो डोर्सल व्यू दिखाया है और एक वर्ट्रल व्यू दिखाया है, मतलब कि एक डोर्सल ऊपर का व्यू दिखाया है जो उसका अपर फेस है और एक नीचे का व्यू दिखाया होगा, भाई ये नीचे के जो बॉडी है उसके अंदर कैसे हम जान सकते हैं कि पॉइजनस है कि नहीं है। क्या होगा अगर आई है हमारी, नोस्ट्रिल है, नोज है जो स्नेक की, और जो ये पिट है, ये हमने पिट बनाई हुई है, ये अगर तीनों चीजें जुड़ी हुई है आपस में,
तो डेफिनेटली वो पॉइजनस ही है, तो डेफिनेटली वो पॉइजनस ही स्नेक है। और इसका एग्जाम्पल है कोबरा और नाजा। और थर्ड और हम क्या जान सकते हैं कि पॉइजनस है कि नहीं है, हम क्या देख सकते हैं उसके अंदर, जो है टेल देख सकते हैं हम उसकी, जैसे कि वाइपर की टेल बताई गई है, जो यहाँ पे दो सबकॉडल दिखाए गए हैं, मतलब कि दो पार्ट्स में जो है उसकी टेल ऐसे दो स्ट्रिप्स बनी हुई है, टू सबकॉडल्स बने हुए हैं उसके अंदर। तो हम उसको वाइपर रजल जो एक स्नेक है उसकी टेल भी ऐसी ही होती है, तो वो भी पॉइजनस स्नेक में ही इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि वो भी पॉइजनस है। और अगर एक है, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दे रखे हैं साथ में, एक स्कैरिनेटा एक स्नेक है जिसकी टेल जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही कोडल होता है, मतलब कि कोई सब कोडल नहीं है, टू वो नहीं है, तो मतलब सिंगल है, तो वो भी पॉइजनस ही स्नेक होता है। तो यहाँ से हमने जान लिया कि क्या हम कैसे हम पहचान कर सकते कि वो पॉइजनस है या नहीं है। तो पहला है टेल के थ्रू, कि हम लैंड पे ही देखेंगे ऑब्वियसली, तो हमें पता लगाने की उसकी सिलेंड्रिकल टेल है कि नहीं है, अब वो पॉइजनस है या नहीं है, हम उसका बेली चेक करेंगे कि कैसा है, वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। तो ये तो नॉन पॉइजनस है, अगर स्मॉल स्केल है और बीच में लार्ज साइड में है तो नॉन पॉइजनस है, तो उसकी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड है वो जिसके अंदर लार्ज स्केल्स होते हैं उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, अगर हम वैसा स्नेक देखें तो हमें पहचानना पड़ेगा कि वो पॉइजनस है या नहीं है। तो उसके लिए हम थर्ड कैरेक्टर चेक करेंगे, हेड। हेड मतलब कि हम उसका सिर देखेंगे कि उसके अंदर स्मॉल स्केल्स है या नहीं है, अगर स्मॉल स्केल्स है तो डेफिनेटली वो पॉइजनस है ही है। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर पिट है या नहीं है, और अगर पिट आई से जुड़ा हुआ है तो वो पिटलेस होगा, और आई से जुड़ा हुआ है तो वो पिट वाइपर होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा स्नेक्स जो इंडिया में पाए जाते हैं वो कौन कौन। इंडिया में कम से कम 360 स्पीसीज जो है इंडियन स्नेक्स की पाई जाती है, जिसके अंदर से सिर्फ 69 जो है इंडियन स्पीसीज हैं वो ही पॉइजनस है, बाकी पॉइजनस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है उसके अंदर कम ही पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं। तो इंडिया में कौन से स्नेक्स जो है वो पॉइजनस पाए जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। सबसे पहले है ब्रांडेड ग्रेट स्नेक, जो कि 6'11" तक का हो सकता है, मतलब वो इतनी सबसे ज्यादा उसकी लंबाई पाई गई है। उसके बाद है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, मतलब कि मिजोरम असम और त्रिपुरा एरिया में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो है जो उससे कम पॉइजनस स्नेक्स हैं, जो कम जहरीले स्नेक्स हैं उनको खा जाता है। तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि मतलब जो स्नेक्स की जो जनसंख्या है वो कम हो सकती है, तो ये हमारे लिए फायदे की चीज है। उसके बाद ये क्या खाता है, ये फिश फ्रॉग और एग्स को भी खाता है। अब उसके बाद आता है अंडमान पिट वाइपर, जो कि थॉर्नी स्किन होती है, जिसकी मतलब कि कांटेदार उसकी जो है स्किन होती है, और देखने में वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक दिखाई देता है। और ये 60 से 110 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, और ये ज़्यादातर आइलैंड्स ऑफ इंडिया के आइलैंड्स पे पाया जाता है। और ये बर्ड्स को खा लेता है, मतलब ये जब भी कोई शिकार करता है, कोई भी पक्षी का शिकार करने से पहले ये बहुत देर तक उसको घात लगाता है, मतलब उसको बहुत ध्यान उसके ऊपर नज़र टिकाए रखता है कि इसको खाने के लिए, मतलब अपना पूरा मौका देख के उसे खा जाता है। और जब वो खाता है तो एकदम से जो वो बर्ड है वहीं पे डेड हो जाता है, मतलब क्योंकि ये इतना पॉइजनस होता है। और ये जो है ये अंडमान पिट वाइपर है, ये सूखे पत्तों की तरह दिखाई देता है, जो कि पेड़ों पे आसानी से हमें दिखता भी नहीं है। आता है बैम्बू पिट वाइपर, जो कि जिसको ट्री वाइपर और इंडियन पिट वाइपर भी कहा जाता है, जो कि बैम्बू में या फिर झाड़ियों में पाया जाता है, और इसकी लंबाई 2.5 फीट तक हो सकती है। और ये ज़्यादातर वेस्ट एरिया में पाया जाता है, इंडिया के पश्चिमी एरिया में पाया जाता है, और ये इंसेक्ट्स और रैट्स वगैरह को खाता है। मालाबार पिट वाइपर, ये ज़्यादातर मैनी कलर बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं, हरा पीला भूरा अलग अलग कलर्स में ये पाए जाते हैं, और ये 105 सेंटीमीटर तक की हाइट 105 सेंटीमीटर तक की लंबाई के हो सकते हैं, और ये ज़्यादातर साउथ इंडिया के वेस्ट घाट में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये पॉइजनस होते हैं, अगर ये काट ले किसी को तो उसकी बॉडी एकदम फूलने लग जाती है, और जो है पूरी बॉडी में दर्द होने लग जाता है, और एक ही दिन के अंदर बंदे की मौत हो सकती है। और ये क्या खाते हैं, स्क्विरल्स फ्रॉग्स के अंडों को। इस पर आता है हम्प नोज पिट वाइपर, जो कि भूरे और चौड़े मुंह वाला होता है, और ये 30 से 45 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, और ये खुद को पत्थरों और झाड़ियों में इस तरह से छुपा लेता है कि कोई देख भी नहीं पाता है कि वो कहाँ गया है। और ये सबसे ज़्यादातर कॉफ़ी के फार्म्स में जहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है वहाँ पर पाए जाते हैं, और ये इतना पॉइजनस होता है कि अगर कोई इंसान को काटे तो 1 घंटे में इंसान की मौत हो सकती है।
आता है किंग कोबरा, इस सांप के बारे में तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोगों ने रियल लाइफ में भी शायद देखा ही होगा। तो किंग कोबरा जो है वो वर्ल्ड का, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का भी सबसे पॉइजनस सांपों में से एक है, और इसकी जो लंबाई है 13 फुट से 15 फुट तक पाई जाती है। तो ज्यादातर लोग तो इसकी लंबाई देखकर ही डर जाते हैं। और इसके अंदर जो किंग कोबरा के अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन नाम के जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन नाम से एक जहर पाया जाता है, जो कि अगर ये सांप किसी को काट ले तो 30 मिनट के अंदर अंदर उस इंसान की डेथ हो जाती है। और ये बहुत कम काटता है, ये तभी काटता है जब इसको खुद का डर हो, मतलब कि खुद इसको ये हो कि मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, तभी ये काटता है। अगर इसको ये लगे कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा तभी ये दूसरे जो है इंसान को काटता है। और ये 20 साल तक जी सकते हैं, 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं ये वाले सांप, और ये और सांपों को भी खा लेते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक भी। फोर्थ नंबर पे आता है सोस कॉल्ड वाइपर, जो कि बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत गुस्से वाला होता है, और ये इतना लंबा नहीं होता है, छोटा ही होता है, लेकिन इतना एक्टिव होता है कि ये जब हमला करता है तो आपको पता भी नहीं चलता, आपको दिखाई भी नहीं देता कि कब इसने हमला कर दिया है। और ये स्टोनी एरिया में पाया जाता है, पथरीले एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है, और इसको जो है लिटिल इंडियन वाइपर भी कहा जाता है। और इसके अंदर एक हेमोटॉक्सिन नाम का जो है पॉइजन प्रेजेंट होता है, जहर प्रेजेंट होता है, जो कि इतना ज़्यादा मतलब जहरीला होता है कि इंडिया में 5,000, एक साल में 5,000 मौतों का कारण जो है स्नेक बाइट की वजह से होने का कारण सिर्फ यही स्नेक है। रसल वाइपर जो कि इंडिया का तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नेक माना गया है, और इसको कोरीबाला के नाम से भी जाना जाता है, और ये 3.3 फीट तक की हाइट लंबाई का होता है, ये सॉस के वाइपर से भी ज़्यादा फुर्तीला होता है। और इसके अंदर एक हेमाटोक्सिन नाम का जो है जहर पाया जाता है, अगर ये किसी इंसान को काट ले तो 45 मिनट के अंदर अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है। और इंडिया में 25,000 लोगों की जो मौत है सिर्फ इसी स्नेक के काटने की वजह से होती है। इंडिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप है स्पेक्टिकल स्नेक, स्पेक्टिकल कोबरा, जो कि जिसको इंडियन कोबरा और नाग भी कहा जाता है। और ये ज़्यादातर नदियों, एग्रीकल्चर खेतों में, गांव में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये चूहों, छिपकली ऐसे ये जो है टेरेस्ट्रियल जो मतलब ज़मीन पे घूमने वाले जो है इंसेक्ट्स, उनको खाता है। और इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है, जो कि 15,000 जो डेथ होती है इंडिया में स्नेक बाइट की वजह से, उसका कारण सिर्फ ये स्पेक्टिकल कोबरा ही होता है। और ये पूरी इंडिया में पाया जाता है, किसी पर्टिकुलर पूरी इंडिया में ये स्पेक्टिकल कोबरा जो है पाए जाते हैं, और ये भी इंडिया का सबसे ज़्यादा बहुत खतरनाक और पॉइजनस सांपों में। अब बात करेंगे इंडिया के सबसे पॉइजनस स्नेक के बारे में, जो कि है इंडियन क्रेट, जिसके एक बार काट लेने से इतना जहर उसके अंदर इतना प्रेजेंट होता है कि अगर वो इंसान को एक बार काट ले और वो जहर हम निकाले तो उससे 60 लोगों की मौत हो सकती है। और ये ज़्यादातर ब्लैक कलर में पाया जाता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, और ये अगर ये काट ले तो इंसान की मौत जो है 45 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। और इसके जो है 12 प्रजाति और 5 उप प्रजाति पाई जाती हैं इस सांप की, और ये 10,000 लोगों को कम से कम एक साल में बाइट कर लेता है। ये ज़्यादातर रात को निकलता है शिकार करने के लिए, सबसे ज़्यादा रात को निकलता है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा पॉइजनस सांप माना गया है। तो मैंने आपको इस वीडियो में अलग अलग स्नैक्स के बारे में बताया, इंडिया के स्पेशली। वैसे तो दुनिया भर में बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्नैक्स पाए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नैक्स पाए जाते हैं उनके बारे में बताया, क्योंकि इंडिया में 69 स्पीसीज ही ऐसी हैं जो कि पॉइजनस है, बाकी जो है 360 जो है वो पॉइजनस नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग, क्योंकि ये रेनी सीजन चल रहा है, मानसून का सीज़न चल रहा है, तो अपने आसपास के एरिया में पूरी साफ़ सफाई रखिए, और अपना पूरा ध्यान रखिए कि कहीं भी कोई अगर आपको स्नेक दिखे तो आप उसको या तो जो सांप पकड़ते हैं उनको बुलाकर, फिर मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को सेफ रखिए, और जहाँ भी अगर आपको कहीं दिखे, जैसे कि ये डोर्स के पीछे, कूलर्स के पीछे, या कहीं वॉशरूम्स में और गांव की गलियों तक में ये खुलेआम घूमते रहते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये किसी को काटेंगे नहीं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को अपने और जो है अपने बड़ों का भी हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए कि ये सांप जो है इनसे हम जितना बच सके उतना ही बेहतर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गलती से हमें मान लो नहीं पता लगा और हमने इनके ऊपर पाँव रख दिया तो ये डेफिनेटली हमें हर्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। गॉड।